सदीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु आपने इरशाद फरमाया कि जेड़ा बंदा मिलादे पाक ते एक दिरम खर्च करता वह जन्नत दे विच मेरे नाल होगा। श्री हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बजम सजाना, आपका जिक्र करना, आपकी महफल सजाना, ये बड़ी अजमत वाली गल है और बड़ी मुबारकबाद इन्हां बेलियां नूं, अहले खाना नूं जिन्हां ने इस महफले पाक दा अहतमाम किया। बड़े बुजुर्ग सैयद पा सैयदजादे भी तशरीफ फरमा ने और पीर तरीकत रहबर शरीयत पीर फतेहउल्लाह तजबी नक्शबंदी साढ़े अजली अमीर ने जिला विहाड़ी दे हज़रत करमा वाला शरीफ की तरफों पीर फतेहउल्लाह तजबी नक्शबंदी साहब पूरे जिले के अमीर ने साढ़े करमा वाला शरीफ की तरफों और खलीफा मजाज भी ने और बड़े बड़े बुजुर्ग तशरीफ फरमा ने तुसी इन्हां दी ज़ियारत फरमा रहे हो। तमाम बेली हदिया दरूद पाक सरकार की बारगाह में मोहब्बत से पेश करें। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। किन्नी सोनी अख सोने दे, किन्नी सोनी ओए अख सोने दे, वख नबियां चो दख सोने दे, किन्नी सोनी अख सोने दे, एक लख चौवी हजार विचों, एक लख चौवी हजार विचों, रहमत वाले अख सोने दे, वख नबियां चो दख सोने दे, किन्नी सोनी अख सोने दे। और जेड़ा अपने वर्गा आखे, और जेड़ा अपने वर्गा आखे, खबर नहीं कख सोने दे, वख नबियां चो दख सोने दे, किन्नी सोनी ओए अख सोने दे। हजूर गंजे करम हजरत साहब पाक करमा वाले रहमतुल्लाह ताला आप दी गल सुनांदा जावां। हजरत साहब पाक करमा वाले रहमतुल्लाह ताला आप आले नबी औलाद अली ने, हजरत साहब पाक करमा वाले जदों पाकिस्तान बन गया आप इधर तशरीफ लियाए, एक सिख ने आप नू खत लिखिया। हजरत साहब पाक करमा वाले नू हिंदुस्तान दे विचों एक सिख ने खत लिखिया कि हजूर तुसी इधर तशरीफ लियाए हो ते मेरी अखां दी बनाई चली गई है, मैनू नज़र नहीं आता, तो मेहरबानी फरमाओ। हजरत साहब पाक करमा वाले रहमतुल्लाह ताला ने खत दे विच उस सिख नूं जवाब दिता, बेलिया पढ़िया कर असलाम नूर ते कुफर अंधेरा। हजरत साहब पाक करमा वाले करम कमाई जांदे, दीन लोकां ताईं दीन पहुंचाई जांदे। हजरत साहब पाक करमा वाले ने सिर्फ इन्ना लिखा बेलियो कि सिख उन्हूं कि तू पढ़िया कर सलाम नूर है ते कुफर अंधेरा। वो सिख जड़ा है वजीफा पढ़ता रहा सलाम नूर है ते कुफर अंधेरा, उनकी अखा जड़ियाँ रोशन हो गई, उन्हें नज़र आन लग पाया। उन्हें फिर खत लिखा कि हजूर थोड़े करम के नाल अखा रोशन हो गई तो मेरा दिल भी रोशन हो गया। हजरत साहब पाक करमा वाले ने जवाब ना दिता बेलियो, तो फिर दोबारा उस सिख ने खत लिखा हजूर मुकम्मल तौर पर मेरा दिल रोशन हो गया, अखां तो तुहाडे करम नाल रोशन हो गया सी, दिल भी रोशन हो गया, तो मैनू कलमा पढ़ा दो।
हजरत साहब पाकरमा वाले रहमतुल्लाह ताला सैयद मोहम्मद इस्माइल शाह साहब बुखारी आपने फरमाया और खत दे विच लिखिया कि बेलिया किसे चंगे आलम तो कलमा पढ़ ली ते अपनी बरादरी च भावें एवें पग बन्नी रखी कोई नहीं किसे चंगे आलम तो जानी कि अकायदे हसना आले आलम तो जिंदा अकीदा जड़ा अहले सुन्नत वाला होवे उन्दे तो कलमा पढ़ ली ते बरादरी च फिर एवें दी बेली हजरत साहब पाक करमा वाले दी बड़ी शान ठीक है दुरूद पाक सल्लल्लाहु अला हबीब ही मोहम्मद अलैहि वसल्लम जहान सारे दियक दतारा अली 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 जहान सारे दियक दतारा अली 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 खुदा ते ओ दे नबी दा प्यारा अली 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 दा नाम जे जप होवे हर एक दुश्मन चेत होवे शहीद गाजी हर एक दा नारा अली 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 जे करना चाहना है कोई बात जे करना चाहना है तू इबादत अली दे चेहरे दी कर ज़ियारत खुदा दी कसमे ईमान सारा अली 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 बुजुर्गां नूं पुछिया वी हजूर जे अज अली दे चेहरे दी ज़ियारत करनी होवे ते आपने फरमाया फिर अली दे पुत्तर नूं वेख हजूर दे अहले बैत दी बड़ी शान है बेलियो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हौज़े कौसर दे उत्ते सब तो पहला जेडे लोग मैनू आके मिलणगे ओ लोग होणगे जेडे मेरे नाल ते मेरी आल नाल मुहब्बत करदे हो माशाल्लाह जी।